डियर स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 10th के लिए सब्जेक्ट मैथमेटिक्स को पढ़ना। जैसा कि आप जानते हैं, 10th क्लास में हम लोग मैथमेटिक्स में, पिछले क्लास में हम लोग त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग यानी कि 9 नंबर चैप्टर को पढ़ रहे थे। आज चलिए स्टार्ट करते हैं एक न्यू चैप्टर को, एनसीईआरटी के 10th वाले चैप्टर यानी कि 10वीं चैप्टर में हम लोगों को है ब्रीथ। ब्रीथ के बारे में तो आपको कुछ नॉलेज होगा ही होगा, अगर नहीं होगा तो हम लोग समझते चलेंगे। तो ये एक न्यू चैप्टर है और सबसे खासियत बात यह है कि इसमें दो ही एक्सरसाइज है यानी कि 10.1 और 10.2। अब ये कुल मिलाकर ना 7 दिन के अंदर अंदर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, 6 से 7 दिन मैक्सिमम लगता है इस चैप्टर में। तो कुल मिलाकर ये बहुत छोटा चैप्टर है और ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, इजी भी है, और अगर किसी को दिक्कत होगा तो फिर प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम हैं ही। तो सबसे पहले आइए समझते हैं कि ब्रीथ क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, टॉपिक्स दीजिए ब्रीथ, ब्रीथ के बारे में जानते हैं। तो ब्रीथ किसको कहते हैं? तो ब्रीथ जो है एक वर्काकार रेखा से घिरा हुआ क्षेत्र को ब्रीथ कहते हैं। ये वर्काकार क्षेत्र हो गया, बिल्कुल वर्काकार का मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा लाइन, टेढ़ी लाइन से जो घिरा हुआ क्षेत्र रहेगा उसको ब्रीथ कहते हैं, और जो टेढ़ा लाइन है इसको कहते हैं वक्र रेखा, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? वक्र रेखा। और किसी भी वृत्त में ना भाई, एक बीच में हम लोगों को केंद्र होता है जिसको ओ से सूचित करते हैं, ये वृत्त का केंद्र कहलाता है, याद रखिएगा, ठीक है। वृत्त के बारे में कॉमन चीज हम लोगों को पता होना चाहिए, केंद्र कहते हैं। और केंद्र से लेकर वक्रीय रेखा जो है इसके बीच की दूरी को हम लोग आर कहते हैं। तो केंद्र कहते हैं उसके वृत्त के सेंटर यानी कि उसके बीच वाले बिंदु को केंद्र कहते हैं, और केंद्र से लेकर वक्र रेखा के बीच की दूरी को, इसके बीच की दूरी को हम लोग आर कहते हैं, यानी आर का मतलब होता है त्रिज्या, ठीक है। और इस त्रिज्या को अगर दोगुना कर देते हैं, मैंने इधर भी बढ़ा देते हैं, तब उसको दोस्त कहते हैं व्यास, व्यास को डायमीटर कहते हैं इंग्लिश में। तो यहाँ से यहाँ तक हो गया डी, डी मतलब व्यास, आर मतलब त्रिज्या। तो ये कुछ वृत्त के बारे में था जानना, तो ये कॉमन पॉइंट्स होते हैं, हम लोगों को जानना चाहिए किसी भी वृत्त के बारे में। चलिए अब हम लोग अपने काम पे पहुंचते हैं। पहला हम लोग टॉपिक्स बनाएंगे अप्रतिच्छेदी रेखाएं, अप्रतिच्छेदी रेखा। अब अप्रतिच्छेदी रेखा किसको कहेंगे? तो अप्रतिच्छेदी रेखा का मतलब ये हुआ कि कोई भी वृत्त रहे, एग्जाम्पल से आपको बता देते हैं, कोई भी वृत्त रहे, जैसे मान लिया एक वृत्त है और इस वृत्त कोई भी रेखा जो है वृत्त को टच नहीं करे, यानी कि कोई सरल रेखा जब किसी भी वृत्त को छूता तक नहीं है यानी कि टच भी नहीं करता है, तब हम इसको कहते हैं अप्रतिच्छेदी रेखा। दूसरा एग्जाम्पल, जैसे मान लिया कि कोई एक ऐसे रेखा हम बना दिए, अब ये ऐसा रेखा है जो वृत्त को बिल्कुल टच नहीं कर रहा है, तब हम इसको कहेंगे अप्रतिच्छेदी रेखा। यानी कि ये, इसका मतलब ये हुआ कि वैसी सरल रेखा, वैसी सीधी रेखा जो वृत्त को टच भी नहीं करता है, वृत्त को छूता तक भी नहीं है, उसको हम लोग अप्रतिच्छेदी रेखा है कहते हैं। छूना तो दूर, इसको कट करना तो दूर, इसको छूता तक नहीं है मतलब साइड से निकल जाता है, इसको अप्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। तो अप्रतिच्छेदी रेखा आप टॉपिक बनाए हैं, उसके नीचे पहले एरो देकर डेफिनेशन लिख लीजिए, तब इस एग्जाम्पल में फिगर, दोनों फिगर बना लीजिएगा, ठीक है। तो लिखा जाए, फर्स्ट एरो लिखेंगे, वैसी सरल रेखा जो किसी वृत्त को छूता तक नहीं है, छूता तक नहीं है या स्पर्श नहीं करे, स्पर्श नहीं करे, उसे
उसे अप्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं, उसे अप्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। तो याद रखिएगा, अप्रतिच्छेदी किसको कहेंगे? वैसी सरल रेखा जो किसी भी वृत्त को स्पर्श, स्पर्श का मतलब होता है टच करना, छूना, इसलिए दोनों लैंग्वेज लिखवा दिए हैं, छूता तक नहीं है या फिर स्पर्श नहीं करे, तब हम इसको कहते हैं अप्रतिच्छेदी रेखा। तो पहला था अप्रतिच्छेदी रेखा किससे कहते हैं, और ये दोनों आप फिगर जरूर बना लीजिएगा। अब हम लोग टॉपिक बनाते हैं, अगला टॉपिक इसका नाम है प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा, ठीक है। अब प्रतिच्छेदी रेखा किसको कहते हैं? तो याद रखिएगा, कोई भी अगर वृत्त है, कोई वृत्त है, और जब उस वृत्त को कोई रेखा बिल्कुल काट दे, यानी कि आर पार कर दे, कोई सरल रेखा किसी वृत्त को आर पार कर दे, तब हम उसको प्रतिच्छेदी कहते हैं। प्रतिच्छेदी का मतलब छेद, उसको छेद कर दे, है ना, तब हम उसको कहेंगे प्रतिच्छेदी रेखा। तो सबसे पहले इसके नीचे एरो देकर इसका डेफिनेशन लिख लीजिए, वैसी सरल रेखा जो किसी वृत्त को, जो किसी वृत्त को आर पार कर दे या आर पार कर दे या उस वृत्त को काट दे, या उस वृत्त को काट दे, उसे उसे प्रतिच्छेदी रेखा, उसे प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। अब चलिए दिखाते हैं प्रतिच्छेदी रेखा का एग्जाम्पल। तो प्रतिच्छेदी रेखा का एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल, जैसे मान लिया कि कोई वृत्त है, ठीक है, और ये सब जो फिगर बनाइएगा ना, वो आप पेंसिल से बनाइएगा, हम पेन से बना दे रहे हैं ताकि यहाँ पे कैमरा में आएगा नहीं, पेंसिल से बनाएंगे तो, ठीक है। ये वृत्त है, अब इस वृत्त को एक ऐसी सरल रेखा है, ये सरल रेखा हुआ, इस वृत्त को देख रहे हैं ऐसा काट रहा है कि आर पार हो जा रहा है, तब हम इसको कहेंगे प्रतिच्छेदी रेखा। एक और फिगर बना लीजिए, जैसे मान लिया ये वृत्त है, ऐसे भी रेखा गुजर सकती है, इसको भी हम लोग कहेंगे प्रतिच्छेदी रेखा। प्रतिच्छेदी का मतलब कौन सी हुआ? कि कोई भी वृत्त को कोई रेखा आर पार कर दे, यानी कि काट दे, तब हम उसको प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। तो ये हो गया हम लोगों को प्रतिच्छेदी रेखा, दोनों एग्जाम्पल्स में जो फिगर बनाए हैं ये प्रतिच्छेदी रेखा का हो गया। तो प्रतिच्छेदी रेखा आप बना लीजिए इसका फिगर, ठीक है। अब आइए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट है, अब आते हैं स्पर्श रेखा पर। स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा किसको कहेंगे, ठीक है। तो अप्रतिच्छेदी रेखा सीखें, प्रतिच्छेदी रेखा का सीख लिए, अब हम लोग आइए स्पर्श रेखा सीखते हैं कि आखिर स्पर्श रेखा क्या है। तो इसको समझने के लिए पहले, सबसे पहले पॉइंट लिखा जाए, फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट एरो देकर लिखा जाए, वह रेखा, वह सरल रेखा, ऐसे लिखेगा, वह सरल रेखा जो जो वृत्त पर के किसी बिंदु से स्पर्श करके किसी वृत्त पर के किसी बिंदु से स्पर्श करके आगे निकल जाती है, आगे निकल जाती है, तो उस रेखा को स्पर्श रेखा कहते हैं, तो उस रेखा को स्पर्श रेखा कहते हैं। चलिए, स्पर्श रेखा को तो हम लोग समझेंगे, लेकिन एक और एरो देकर लिख लिया जाए, फिर हम दोनों बात को एक ही साथ समझा देंगे। लिखा जाए, वृत्त पर का वह बिंदु जिस बिंदु से स्पर्श रेखा गुजरती है, स्पर्श रेखा गुजरती है, उसे 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 स्पर्श बिंदु कहा जाता है,
उसे स्पर्श बिंदु कहा जाता है, उसे स्पर्श बिंदु कहा जाता है। चलिए अब हम लोग देखेंगे कि आखिर स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु किसको कहते हैं। तो इसको एग्जाम्पल में ना कैसे समझना है, जैसे मान लिया भाई कि कोई वृत्त है और वृत्त पर का कोई बिंदु का मतलब क्या होता है। ये वृत्त है ना, तो वृत्त पर का बिंदु ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, यानी कि वृत्त पर का बिंदु यही सब सारा हो गया। अब वृत्त पर के कोई बिंदु से अगर कोई सरल रेखा ऐसे निकलती है तब हम इसको कहेंगे, इस पूरी रेखा को कहेंगे दोस्त स्पर्श रेखा, ठीक है। और ये जो स्पर्श रेखा खींची गई इस वृत्त की, तो किस बिंदु से गुजर रही है, तो ये वाला बिंदु, तो इस बिंदु को कहते हैं स्पर्श बिंदु। देखो स्पर्श का मतलब सिर्फ होता है छूना, ठीक है, टच करना। तो छूना या टच करना, तो कोई रेखा जो है अगर किसी वृत्त को टच करता है, ठीक है, या किसी वृत्त को छूता है, तब हम इसको कहेंगे स्पर्श रेखा, ठीक है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो किसी भी स्पर्श, तो एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर टू। जैसे मान लिया कि कोई वृत्त है, ठीक है, और इस वृत्त पे एक स्पर्श रेखा ऐसे गुजर रही है। स्पर्श का मतलब भी होता है टच करना, सिर्फ छू कर निकलना। तो वृत्त के जिस बिंदु को छू कर निकलती है उसको हम लोग कहते हैं स्पर्श बिंदु, स्पर्श बिंदु, ठीक है। यह हुआ स्पर्श बिंदु, और इसको हम लोग बोलेंगे स्पर्श रेखा, इसको हम लोग पूरा को स्पर्श रेखा कहते हैं, ठीक है। अब सवाल, स्पर्श रेखा में ही बहुत तरह का निकलता है, क्या क्या निकलता है। तो अगर मान लिया कि कोई पूछेगा कि वृत्त पर के एक बिंदु से कितना स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है, ध्यान रखिए वृत्त पर का स्पर्श रेखा जो है वो एक बिंदु से कै गो खींचा जा सकता है। तो याद रखिएगा हमेशा, वृत्त पर के एगो बिंदु से एक गो स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है, और दो गो बिंदु से दो गो स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है। यानी कि वृत्त पर के एक बिंदु से अगर बोलेगा कि वृत्त पर के एगो बिंदु से कै गो स्पर्श रेखा खींचेंगे, तो वृत्त पर के एक बिंदु से याद रखिएगा एक ही स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है। तो नेक्स्ट एरो में लिखेंगे दो गो, तो एरो लिख लिए, फिर फिगर बना देना है, और फिर थर्ड एरो लिखना है। लिखेंगे वृत्त पर के एक बिंदु से केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। जैसे मान लिया कि वृत्त है, वृत्त पर का एक बिंदु यहाँ है, तो इस बिंदु से सिर्फ एक सरल रेखा। अगला हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं, ये वृत्त है, वृत्त का एक बिंदु है, और इस बिंदु से एक ही सरल रेखा खींचा जाएगा, ये वाला सरल रेखा हुआ। तो वृत्त पर के एगो बिंदु से एक ही सरल रेखा ना खींचा गया। लेकिन अगर कोई बोलेगा कि एक वृत्त पर कितना स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है, आप सोचो एक वृत्त पर कितना स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। याद रखना है अभी जो लिखे ना कि वृत्त के एक बिंदु से एक स्पर्श रेखा, तो इसका फिगर दोनों एग्जाम्पल वन और एग्जाम्पल टू इसका दोनों उतार दीजिए। फिर नेक्स्ट एरो में लिखा जाए इस फिगर को उतारने के बाद, किसी वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, किसी वृत्त पर स्पर्श रेखाएं, किसी वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। देख लो, जैसे मान लिया कि एक वृत्त है, अब इस वृत्त पर हम एगो स्पर्श रेखा खींच दिए इधर से, एगो स्पर्श रेखा इधर से, एगो स्पर्श रेखा इधर से टच करके निकल गया, एगो इधर से, देख रहे हैं कितना खींचे जा सकते हैं, अनंत खींचे जा सकते हैं, अनंत। ये सभी क्या है, स्पर्श रेखा है, और हम खींच सकते हैं, इसको निकाल दिया। तो ये सब जितना भी है एक वृत्त पर, याद रखिएगा अनंत स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है। उसका फिगर या एग्जाम्पल इसके नीचे ये वाला बना दीजिएगा कि एक वृत्त था और वृत्त पर कितना भी हम स्पर्श रेखा खींच सकते हैं,
ठीक है। तो याद रखिएगा कि वृत्त पर अनंत रेखा खींच स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है, लेकिन वृत्त पर के एगो बिंदु से मात्र एक स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है। अब सवाल आगे बढ़ाते हैं। सवाल कुछ इस तरीके से है कि स्पर्श रेखा जो है कितना बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। स्पर्श रेखा जो है, स्पर्श रेखा है वो वृत्त के कई गो बिंदु से टच करता है, तो हमेशा एक बिंदु से। इसका उल्टा हम बोल रहे हैं कि स्पर्श एक गो बिंदु से एक गो स्पर्श रेखा, तो स्पर्श रेखा जब खींचेंगे तो वृत्त के एक एक गो बिंदु से ना छू कर निकलेगा, तो इसको अलग से नोट नहीं करते हैं, इसको आप समझ जाइए। अच्छा, अगला बात कि वृत्त में जो स्पर्श रेखाएं खींची जाएंगी वैसी कितनी स्पर्श रेखा खींची जाएगी जो आपस में समांतर हो। ध्यान दीजिएगा, वृत्त पर ऐसा कितना स्पर्श रेखा खींचा जाएगा कि वे आपस में क्या हो, समांतर हो। तो याद रखिएगा ऐसा दो ही स्पर्श रेखा होंगे, तो याद रख लीजिएगा। उसके नीचे एरो देकर लिखेंगे, वृत्त पर केवल केवल दो समांतर स्पर्श रेखाएं, दो समांतर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, दो समांतर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। इसका एग्जाम्पल में कैसे बनाएंगे, तो एक वृत्त का फिगर, ठीक है, एक वृत्त का फिगर, और इस वृत्त के एक स्पर्श रेखा ऊपर बना दिए, ये भी स्पर्श रेखा हो गया, और इसके समांतर बोल रहे कि समांतर कितने खींचे जाएंगे, तो हमेशा याद रखिएगा वृत्त पर दो ही ऐसे स्पर्श रेखा खींचे जा सकते हैं जो आपस में क्या हो, समांतर हो। तो याद रखिएगा सवाल क्या था कि वृत्त पे ऐसी कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जाएंगी जो आपस में समांतर है, तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे ऐसे भी बना सकते हैं। दिखा देते हैं एक और फिगर, ये हो गया स्पर्श रेखा, ये हो गया दूसरा स्पर्श रेखा, यानी कि हमेशा जो है दो ही स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है जो दोनों आपस में क्या हो, समांतर हो। तो कुल मिलाकर यहाँ पे ये बात पता चला कि वृत्त पर हमेशा दो ही समांतर स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, ठीक है। तो अब जितना भी हम लोग पॉइंट्स पढ़े हैं, इस पॉइंट से रिलेटेड आपको एक्सरसाइज 10.1 जो है खुद से बनाना है और खुद से क्वेश्चन पढ़ना है। क्वेश्चन आपको जरिए चलिए दिखा देते हैं। क्वेश्चन 10.1 ऐसा है, एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है, इसको आप खुद से बना लीजिएगा। रिक्त स्थान को भरना है, जितना भी पॉइंट्स अभी हम पढ़ाए हैं उसको आप नोट भी किए होंगे, समझे भी होंगे। तो आपको पहला क्वेश्चन बनाना है, दूसरा का जितना भी फिल इन द ब्लैंक्स है खुद से भरना है, और इसमें तीसरा क्वेश्चन को छोड़ देना है। तीसरा क्वेश्चन हम अगले क्लास में बताएंगे, और चौथा क्वेश्चन को ट्राई करना है। यानी कि 10.1 में टोटल चार क्वेश्चन है, और चार क्वेश्चन में अगर बात किया जाए तो तीसरा क्वेश्चन को छोड़कर बाकी का सॉल्यूशन खुद से करना है, ईमानदारी से आंसर को नहीं देखना है, ठीक है। तो आज हम लोग स्पर्श रेखा के बारे में जाने, और एक्सरसाइज 10.1 में अगर होमवर्क्स के लिए अगर बात किया जाए तो फर्स्ट, सेकेंड और फोर, ये तीन क्वेश्चन को आपको ऑलरेडी बनाना है, कुछ नहीं करना है, फिल इन द ब्लैंक्स है उसको भरना है उसको पढ़कर। तो जितना बात हम आपको समझाए हैं इसी से आपको 1 to 4 क्लियर हो जाएगा, बाकी का तीन क्वेश्चन बच जाएगा। तो तीसरे क्वेश्चन को हम अगले क्लास में बताएंगे, और फिर आगे के टॉपिक्स को भी अगले क्लास में पढ़ेंगे। तो आज के लिए दोस्त इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।